नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका बच्चा नर्सरी केजी क्लास वन में एडमिशन करवाने लायक है, आपके बच्चे की उम्र 4 से 6 साल के बीच में है और आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, आपके रिश्तेदार परिवार या फिर किस कहीं पर भी जानकारी में कोई भी बच्चा है जो एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एडमिशन फॉर्म को लेकर के मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाद में हमें कमेंट प्राप्त होते हैं कि हमें जानकारी नहीं मिल पाई, इस वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाए, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पूरी जानकारी दी थी कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी केजी क्लास वन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं, जिसकी प्रक्रिया जो है वो 23 नवंबर से शुरू हो गई थी और अब इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो करीब आ चुकी है। यानी कि अब आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, आपका कोई बच्चा नर्सरी केजी या फिर क्लास वन में एडमिशन करवाने लायक है, आपके बच्चे की उम्र 4 से 6 साल के बीच में है और आप चाहते हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़े, प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं ओपन सीट्स के लिए, तो जो आखिरी तारीख है वो 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर से पहले पहले आप फॉर्म जरूर भर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से, ये जो फॉर्म है ये केवल ओपन सीट्स के लिए निकले हुए हैं, जिसके लिए आपको फीस पे करनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी थी क्या कुछ क्राइटेरिया है, एज कितनी होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे रखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर के वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।